हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं वेज कढ़ाई। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून अखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्चें ली है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 5 से 6 काजू, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल लिया है और 2 हरी इलायची ली है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी और इसका एक पाउडर तैयार करूँगी। पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। सभी मसालों को मैं इसमें अच्छे से रोस्ट करके उसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लूँगी। कढ़ाई मसाला में काजू नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम इसे डालेंगे तो हमारे ग्रेवी में एक अच्छी सी बाइंडिंग आती है और अच्छा टेस्ट भी आता है। मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट कर लिया है, अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। अब हम अपने वेजिटेबल्स तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून घी, 1 टेबलस्पून बटर। इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। मैंने 1/4 कप बीन्स लिया है, गाजर लिया है 1, और ये कॉलीफ्लावर लिया है। मैंने इसको इस तरह कट कर लिया है। आप वेजेस अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। इसको हम हाई फ्लेम पर सॉटे कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स ग्रेवी में भी पकेगी। हम इसे हाई फ्लेम पर सिर्फ सॉटे कर लेंगे। इससे वेजेस में एक बटरी टेस्ट आता है। ये वेजेस हमारी सॉटे हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ग्रीन पीस। ये मेरी फ्रोज़न है, आप फ्रेश ग्रीन पीस यूज़ कर सकते हैं। इसी में मैं ऐड करूँगी 1/2 ऑनियन एंड 1/2 कैप्सिकम, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे भी हाई फ्लेम पर सॉटे कर लूँगी। इसमें मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं कढ़ाई मसाला ऐड करूँगी जो हमने तैयार किया था। कढ़ाई मसाले को हमें दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। अब मैं इसमें 100 ग्राम्स पनीर ऐड करूँगी और इसे भी हाई फ्लेम पर सॉटे कर लूँगी। वेजेस हमारी प्रिपेयर हो गई है, अब मैं इसे साइड में रख दूँगी। ग्रेवी के लिए एक पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें मैं 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 चॉप्ड ऑनियन, ये मीडियम साइज़ का ऑनियन है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमें पिंक होने तक फ्राई करना है। ऑनियंस हमारे पिंक हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट। जिंजर गार्लिक हमारा सॉटे हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मैंने 3 टमाटर को 1/2 क्रश कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था। इसको मैं सॉटे कर लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। इसको मैं कवर करके मसाला अच्छे से भून जाए तब तक फ्राई कर लूँगी। मसाला हमारा भून गया है। जितना मसाला हमारा फ्राई होगा उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनेगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप पानी। ग्रेवी हमारी बॉईल हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। ये मेरी घर की मलाई है, आप टेट्रा पैक की भी ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून टोमेटो सॉस। इसके बदले आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा स्वीटनेस देने के लिए हमें सिर्फ 1 टीस्पून ही ऐड करना है।
इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को रोस्ट करके मैंने क्रश कर लिया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जो हमने प्रिपेयर किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप इस तरह इसे ड्राई भी रख सकते हैं, या फिर आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए आप इसमें पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/4 कप जितना पानी ऐड किया है। अब मैं वेजिटेबल्स को कवर करके 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। मैंने 1 पीस पनीर को ग्रेट करके इसमें ऐड किया है और हरा धनिया इसके ऊपर ऐड किया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।